नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं कूलपैड के एक और मॉडल के बारे में, जो कि है कूलपैड कूल प्ले 6 वाला। तो इसी की बात करने वाले हैं, जिसकी कीमत यहाँ पर बताई गई है 14,999 रुपये, यानी 15,000 रुपये के आसपास ये पड़ने वाला है। और आज के दिन जो है ये लॉन्च हो गया, तो इसके अंदर मतलब क्या क्या अच्छा है, क्या क्या मतलब होना चाहिए था, इन सब की बात जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना है तो उससे पहले आपको जानना होगा इसके बारे में पूरी तरह से। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके सामने एक बेल आइकन है उसे दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कूलपैड कूल प्ले 6 के बारे में, तो जल्दी से जो है इसकी पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन का पता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल का है, एंड्रॉयड 7.1.1, वो इसके अंदर OS के रूप में आपको यहाँ पर मिल रहा है। और डिवाइस जो है फुल स्मार्टफोन की तरह है, मतलब कोई भी पीछे कुछ भी नहीं छूट रहा है, यहाँ पर फुल स्मार्टफोन ही आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ जो है इसके अंदर वेट जो है 170 ग्राम होने वाला है, और इस डिस्प्ले साइज़ जो है इसकी 5.5 यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और टच स्क्रीन है काफ़ी ठीक ठाक, यहाँ पर टच स्क्रीन बताई गई है। और LCD जो है IPS LCD यहाँ पर दी गई है, और फुल HD डिस्प्ले जो है ये है, मतलब 1920x1080 पिक्सल के पूरे पिक्सल जो है डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं CPU की। तो 1.4 GHz का जो है यहाँ पर CPU मिल जाएगा, जो कि है क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन 653 वाला, जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, मतलब उसके ऊपर बनाया गया है। और इंटरनल स्टोरेज जो है यहाँ पर 64 GB आपको मिल जाता है, 6 GB रैम के साथ है, जो कि ज़्यादा महंगे मोबाइल कुछ होते थे पीछे आने वाले, उनमें 4 GB तक रैम मिलती थी, लेकिन यहाँ पर 6 GB रैम यहाँ पर दी गई है। और उसी के साथ जो 128 GB तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं माइक्रो SD वगैरह लगाकर, तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक है अभी तक तो स्पेसिफिकेशन निकल के आ रही है। और उसी के साथ अब बात कर लेते हैं कैमरा वगैरह की। तो दो कैमरे जो है पीछे रियर कैमरे आपको मिल जाएंगे, डुअल में 13+13 मेगापिक्सल, मतलब डुअल 13 मेगापिक्सल के कैमरे जो हैं पीछे की ओर यहाँ पर होने वाले हैं। और फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का होने वाला, जो कि काफ़ी HD क्वालिटी के अंदर जो फोटो वगैरह या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है लगभग इसकी बैटरी के हिसाब से बताएं तो 7 से 8 घंटे तक लगातार आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ जो है वॉइस वगैरह या फिर MP3 सारी सुविधा इसके अंदर दी गई हैं। ऑडियो प्लेयर इसके अंदर है, वीडियो प्लेयर जो है इसका पर्सनल यहाँ पर दिया गया है खुद का, जो कि कूलपैड का आता है एंड्रॉइड की तरफ से। और ऑडियो जैक यहाँ पर 3.5 mm आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो बैटरी है वो मिलती है ना निकलने वाली बैटरी, जो कि 4000 mAh की है, मतलब इनबिल्ट बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। और स्टैंड बाई जो है इसका 300 आवर्स बताया गया है, तो 250 या फिर उससे थोड़ा सा कम मान के चलिए। और यहाँ पर GPRS वगैरह जो है सब कुछ मिल जाता है इसमें, वायरलेस ब्लूटूथ USB जो है सब कुछ मिल जाती है। और जो इसमें USB दी गई है वो USB टाइप सी है 1.0 वर्जन, जो कि शुरुआती वर्जन है। और उसी के साथ जो है 3G 4G 2G सारे जो मोड हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। और सेंसर जो हैं इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, बाकी के सारे जो बेसिकली सेंसर्स आते हैं वो भी जो है इसमें मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी हो गया, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है ये निकल के आने वाली है इसकी। तो इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर जो आज रिलीज़ हो गया 21 तारीख को, तो इसके अंदर जो है ये सब है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसका पूरा सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 15,000 रुपये की। तो 15,000 रुपये में जो है 5.5 की यहाँ पर डिस्प्ले मिल रही है, और 4000 mAh की बैटरी प्लस डुअल कैमरा मिल रहे हैं रियर, और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि मतलब कुल मिलाकर ठीक ठाक मोबाइल है, अच्छे एक अच्छा मोबाइल है। और इसकी कीमत जो है इसके हार्डवेयर के हिसाब से ठीक है। मैं हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि इसका हार्डवेयर देखने पर पता चलता है कि जो डिवाइस है अंदर से काफ़ी मजबूत है। और इसके अंदर जो है क्वालिकॉम का प्रोसेसर यहाँ पर मिल जाता है स्नैपड्रैगन वाला, तो हार्डवेयर जो अपने आप मजबूत होने वाला है। शाओमी के फ़ोन ज़्यादा चलते हैं क्योंकि उनके अंदर क्वालिकॉम का हार्डवेयर होता है, मतलब जो इनबिल्ट CPU होते हैं वो सब क्वालिकॉम के होते हैं। और बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, पावर IC की कोई भी बात नहीं करता, मोबाइल के अंदर एक पावर IC होती है जो पूरे पावर सोर्स को कंट्रोल करती है, वो जो है MTK की तरफ से आती है। तो दोस्तों काफ़ी सारी बात यहाँ पर हमने की हार्डवेयर के बारे में भी, और ऊपर का हिस्सा भी काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ 15,000 रुपये के अंदर। तो मोबाइल जो है काफ़ी ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। बैटरी भी बैकअप जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिया गया, मतलब 4000 mAh तक का बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है, तो आप इस मोबाइल को ले सकते हैं। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है इसकी सेल लगने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी जैसे ही ये निकल के आता है मार्केट के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी यहाँ पर जानकारी मिली होगी इस वीडियो के द्वारा, और काफ़ी कुछ समझ में आपको आया होगा। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,
और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।